अरे भाई यार एक तो मछली मिले। अरे भाई यार इतनी देर से खड़ा हूँ यार, एक मछली नहीं मिल रही भाई। पर पता नहीं किसी किसके जूते मिल गए भाई, पांच जूते मिले मेरे को, पांच जूते। जूते का बिजनेस डाल लूंगे भाई, जल्दी कुछ तो मिल जाए यार, कुछ तो मछली मिले। अरे विकी पे जल्दी कर पे हो। अरे भाई शिंचन क्या हो गया? अरे विकी पे अब तो सर यार बहुत ही जरूरी काम है। अरे भाई आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे यार शिंचन को क्या हो गया, क्यों बुला रहे मुझे? अरे बचाओ मेरे को, पानी में गिर गया यार। अरे चलो यार पानी में आई गया तो देख तो लूं भाई मछली है भी यहाँ पे नहीं। अरे भाई यहाँ पे तो कोई भी मछली नहीं दिख रही मुझे। अरे है मछलियां है। अरे तुम इतनी देर से वहां पे क्यों नहीं आ रहे थे? अरे छोड़ो यार मछली को छोड़ो, शिंचन पता नहीं क्यों बुला रहा है, अपन चलते हैं। अरे शिंचन क्या हो गया? अरे सारे एवेंजर्स यहाँ पे क्यों आए हुए? अरे भाई सब क्या हो गया? अरे विकी पे ये सब बोल रहे, पिछले वाले रैम चैलेंज में चीटिंग हुई थी, वापस से करो। अबे क्या? अरे फ्रैंकिन मेरी बात सुनो। A few moments later. अच्छा चल मैं समझ गया, मैं मोदी जी को फोन करके यार पूछ रहे थे कि वो रैम चैलेंज करा सकते हैं कि नहीं। अरे ठीक है ठीक है, पूछ लो यार। तो मोदी जी मैंने आपको सब समझा दिया, आप बताओ कि हो सकता है कि नहीं? मित्रों हो जाएगा रैम चैलेंज। अरे ठीक है थैंक यू मोदी जी। तो भाई सुनो मेरी बात, सबके सब वहाँ पे आ जाना, तुमको कैसे करना है, कौन सी कार लेके नहीं कि वो तो सब तुम डिसाइड करो। और मैं जा रहा हूँ अंदर, पहले मैं कपड़े जाके चेंज करता हूँ, क्योंकि मैं सारे के सारे कपड़े यार गीले हो गए अभी यार, वो उधर गिरा था यार पानी में। तो फटाफट जाके पहले कपड़े चेंज करते हैं, फिर इनसे बात करते हैं। अरे शिंचन बताए भाई उन्होंने क्या बोला, कैसे करने वाले रैम चैलेंज? अरे विकी वो सब बोल रहे कि बाइक वाला रैम चैलेंज करेंगे। क्या बाइक वाला? अरे है विकी भैया। और रुक जाए एक सेकंड में आता हूँ। अरे विकी भाई कहाँ जा रहे हो? और इनको बाइक वाला रैम चैलेंज करें, मुझे पता है बाइक कहां से मिलेगी, हमको बाइक का जुगाड़ तो करने होगा, पर मुझे पता है कहां से होने वाला है जुगाड़। यार हमारा जो पड़ोसी है ना, वो ये भी दो तीन दिन पहले अपनी नई नई बाइक लेके आए, तो इसकी क्यों ना मैं बाइक ही चुरा लूं। अरे मन तो रहा है मैं अपनी बाइक को चुम्मी दे दूं और इसको फटाफट से मारते। ये इसको मारते। अबे यार शिंचन के लिए भी तो गाड़ी चाहिए। अरे भाई तू भी मर जा, ये ले। अरे भैया क्यों मार रहे हो? इसको भी मैंने मार दिया, आखिरकार शिंचन आ जा। अरे विकी मैं इनको क्यों मार दिया? अरे भाई शिंचन अपन को बाइक का जुगाड़ करना था ना। अरे विकी भाई ऐसे मार के कौन जुगाड़ करते हैं? अरे भाई तो यार मैं कहां से लूंगा इतनी जल्दी बाइक। अरे विकी भाई तो आपको ना क्यों है, पिछली बार भी तो आप जीते थे। अरे भाई तो तू मत चल, मैं जा रहा हूँ। ऐ नहीं फेंकी भाई मुझे भी चलने। अरे भाई पिछली बार जीते तो क्या हुआ, इस बार भी जीतेंगे। तो गाइस अपन फटाफट चलते, अपन को बाइक तो मिल चुकी है, अपन चलते उस रैम चैलेंज की तरफ, मोदी जी ने हमको बुलाया था, फटाफट चलते। तो गाइस फटाफट जाके यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करिए ऑल पे सेट करना, और हम चलते सीधा अपने रैम चैलेंज की तरफ। आ शिंचन। तो गाइस सर अभी हम लोग आ चुके हैं काली पहाड़ी पे, और यहाँ पे मैंने होने वाला रैम चैलेंज। मित्रों रैम चैलेंज शुरू किया जाए। तो गाइस सर अभी हमारा रैम चैलेंज शुरू होने वाला है, एक सेकंड। अब ये कौन है बे? मैं हूँ हल्का फूफा। अरे भाई पिछली बार हल्का चाचा आया था, इस बार फूफा आ गया, और वो भी यार स्कूटी लेके। अबे भाई पागल लेके के। और यहाँ पे मेरा शिंचन खड़ा है, और यहाँ पे स्पाइडरमैन खड़ा है, और यहाँ पे आयरन मैन लेके एक बहुत ही बढ़िया रंग बिरंगी बाइक, और यहाँ पे विजन भाई कितनी लंबी वाली बाइक लेके आया, देखते यार क्या पता विजन जी। और यहाँ पे हमारी वोंडा है, और ये खट्टा रसी बिल्कुल बाइक लेके आ गई है। अरे तेरी तरह भाई चुरा के तेरे लेके आई। अरे भाई इसको किसने बता दिया यार। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा रैम चैलेंज कैसा होने वाला है, हमारा रैंप कैसा है। तो गाइस ये रहा हमारा जो रैंप, हमको यहाँ से जाना है फुल स्पीड पे अपनी बाइक को भी, क्योंकि ये है बाइक चैलेंज। और फिर यार ये जो पार करके जो जीत जाएगा उसको मिलने वाला ये वाला प्राइज, तो जो भी जीतेगा उसके तो मजे हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यार मैं भी अपनी बाइक के पास आके खड़ा हो जाता हूँ, और मैं तो बोल रहा हूँ सबसे पहले जाना चाहिए हमारा सबसे बड़ा पागल। अरे देखो पागल लगते हो क्या मैं? अरे भाई देख मैंने तो बोला भी नहीं भाई, तू नहीं माना। विजन बाबू ये देखो मेरे को बोल रहे, इसको मार दो। ओके मैं इसको मार देता हूँ। अरे ओ भाई ऐसे मत करना। अरे ठीक है बचाती हूँ। तो गाइस अभी जाने वाली है ये पागल। विजन बाबू अरे भाई नहीं कुछ नहीं कुछ बोला तू, जा। तो गाइस अभी जा रही है वोंडा, देखते यार ये क्या करके दिखाते, और ये कहां जा रही है? उधर है रैम चैलेंज, अरे पागल है ये बिल्कुल ही। अरे तू मेरे को ज्यादा बोल रहा है, विजन बाबू उसको मार दो। अरे ये ले। अरे ओ मेरे से क्यों लड़ रहा है, निकलना ऐसे, अरे हटना यहाँ से। अरे देखो नहीं छोड़ूंगा। अरे सॉरी भाई सॉरी अब नहीं बोलूंगा। तो गाइस अभी जा रही है हमारी वोंडा सीधा सीधा अपने रोड पे, और कितना धीरे चला रही है यार। अरे मैं तो ऐसे ही चलाती हूँ, तो मेरे को दिक्कत है क्या? अरे नहीं मुझे क्या दिक्कत होने वाली है। और गाइस आपको बता दूं यार सबकी गाड़ी में यार बूस्ट लगे हुए, ताकि वो आराम से बूस्ट यूज कर सकते हैं। कहां जा रही है? अरे विजन बाबू मुझे कैच करो, विजन बाबू मुझे नहीं गिरना। और ये वोंडा हो चुकी है डिस्क्वालीफाई। अरे गाइस मैं आपको ये तो बताने ही भूल गया कि भाई ये रैम चैलेंज वापस हो क्यों रहा है, क्योंकि भाई यार स्पाइडरमैन को लग रहा है कि यार पिछले रैम चैलेंज में चीटिंग हुई थी, मुझे यार सबसे अच्छी वाली गाड़ी मिली थी। अरे यार मैं क्या करूं यार, मैं लेके आया सबसे अच्छी वाली गाड़ी, आया था बूस्ट वाली, तो इनको सबको लग रहा था चीटिंग कर रही है। अरे नहीं तुम चीटिंग ही कर रहे थे। अरे नहीं फेंकी मैंने कोई चीटिंग नहीं करी थी। अरे भाई छोड़ो यार विजन को, देखते हैं अभी ये क्या कर रहा है, पता नहीं कहां गोल गोल घुमा रहा है अपनी लंबी लंबी गाड़ी को। और ये अभी तो सीधा सीधा जा रहा है, यहां से मस्त जा रहा है, और ये अंदर आ चुका है टनल के अंदर। बहुत बढ़िया विजन बाबू, बहुत बढ़िया विजन बाबू।
और यार विजन आ चुका है ये स्पेस वाली जगह पे, क्या ही आराम से ऐसे कर पाएगा, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्ड है। और इसकी गाड़ी ने बिल्कुल जवाब दे दिया, क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा लंबी गाड़ी थी, इसलिए यार विजन भी हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई। तो गाइस अब ये जा रहा है हमारा आयरन मैन, देखते यार ये क्या करके दिखाता है। अरे करना क्या है, मैं जाके जीत जाऊंगा और क्या करता हूँ मैं। अरे भाई देखते हैं रंग बिरंगी गाड़ी इसकी क्या करके दिखाती है। अरे देखना तुम यार, तुम देखो क्या करके दिखाते, ये देखो ये देखो ये देखो। अरे भाई अभी कुछ हुआ भी नहीं है, ये देखो देखो क्या, अभी देखते हैं ये स्पेस वाली जगह से वहां से निकल पाता है कि नहीं। और ये यहाँ से निकल चुका है और ये बिल्कुल इजीली जाते हुए, और ये हमारे आयरन मैन इसको कंप्लीट कर लिया है। अरे देखा ना, अब तो बिल्कुल इजी है, सीधा सीधा रास्ता है, अब मैं जीत जाऊंगा, कितना इजी था ये। अरे भाई इसने तो आसानी से कर लिया, ये कहां जा रहा है। अरे ये क्या हो गया, मुझे क्या पता था यहाँ पे भी एक खड्डा था। और यहाँ पे आयरन मैन भी हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई। और यार फिर उसके बाद गए हमारे स्पाइडरमैन, जिन्होंने यार ये रैम चैलेंज वापस से करवाया और वो जाते सीधा मर गए, मतलब गिर गए और फिर हो गए सीधा डिस्क्वालीफाई। स्पाइडरमैन बहुत बढ़िया। और उसके बाद गया था दुनिया का सबसे बड़ा रेसर यानी फ्रैंकलिन यानी वरुण द गेमर। अब मैं जाता हूं यार फटाफट से अभी इनको दिखा दो ये रैम चैलेंज यार कितना ज्यादा इजी है भाई, इतनी देर से यार परेशान कर रहे कोई भी नहीं कर पा रहा, अभी दिखाता हूं मैं कैसे करता ये वाला रैम चैलेंज। आप गिर गए ना फिर आपकी मस्त बेइज्जती होगी। अरे भाई मैं ऐसे गिरने वाला नहीं हूं गाइस, फटाफट से यार कमेंट में ओपी लिख दो यार फ्रैंकलिन ओपी, ताकि यार मैं रेस आराम से जीत सकूं। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे आ चुका स्पेस वाली जगह पे, बिल्कुल आराम से जाना पड़ेगा मुझे, कैसे भी करके कंप्लीट करना है। अरे भाई ये क्या हो गया, मैं गिर कैसे गया। अरे विक्की भाई ये क्या हो गया आपको। अरे भाई पता नहीं क्या हुआ मैं गिर कैसे गया। अरे विक्की भाई जल्दी वापस से बैठ जाओ। अरे हाँ यार वापस से बैठ गया हूं मैं। तो यार अपन अभी चलते हैं यहां से बिल्कुल आराम से यहां पे जाएंगे। अरे अरे यहां पे चली ना, और ये बूस्ट लगा के मैं नीचे नहीं जा रहा मुझे, और आराम से आराम से। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, अरे अरे वो बच गया बच गया बच गया। अरे भाई कितना सा बचाऊं मैं। अरे वही तो विक्की भाई कितना सा बच गया आप तो। अरे वही तो भाई कैसे बचाऊं मुझे पता है। अरे भाई यहाँ पे मैं आ गया बिल्कुल आराम से, भाई साहब बहुत ही ज्यादा खतरनाक था वो, और यहाँ पे वो खड्डा आने वाला है मुझे पता है, इसलिए मैं वहां पे नहीं जाने वाला। ये रहा वो खड्डा, मैं इसके साइड में से निकल जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये मैंने खड्डा पार कर ली। अरे यार यहाँ पे एक और था क्या भाई, मुझे लगा मैं रेस जीत गया बस। अरे यार, अरे शिनचैन क्या पहले मैं जा सकता हूँ। अरे हाँ ठीक है चले जाओ, क्योंकि मेरे घुटने में दर्द है ना थोड़ा बेटा, इसलिए मुझे पहले जान दो। थैंक यू बेटा, थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ ना मैं। तो गाइस अब जाने वाले यार हल्के फूफा, अभी वो जाएंगे देखते यार क्या करके दिखाते अपने खटारा वाले स्कूटर में। अरे फ्रैंकलिन बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, ये खटारा नहीं सबसे बढ़िया स्कूटर है, मेरे पूर्वजों का स्कूटर है, ये 100 साल से यूज कर रहा हूँ मैं। क्यों भाई 100 साल से। और गाइस यार ये कैसे जा रहे, इनके पास तो बूस्ट था मैं तो भूल गया भाई, अगर ये बूस्ट नहीं होता ना भाई ये तो इधर ही अटक जाते भाई। अरे मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। और क्या ये यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे इसको, और ये भी हो चुके हैं डिस्को का का। अबे ये क्या कर रहे, अबे ये क्या कर रहे, अरे ये तो वापस ऊपर जा रहे। अरे भाई ये क्या चीटिंग है। ये कोई चीटिंग नहीं, इसको दिमाग बोलते हैं, जो कि फ्रैंकलिन नाम के बंदे के पास नहीं है। अरे भाई फालतू मत बोल, उसने तो ये रैम चैलेंज कर भी लिया। अरे कहाँ जा रहा है, ये तो गिर भी गया। अरे नहीं ये तो वापस आ गया। मित्रों अगर शिनचैन ये नहीं कर पाया तो ये सब हल्का हो जाएगा। अबे शिनचैन अब तो देखो करना ही होगा। अरे विक्की भाई आप टेंशन मतलब मैं कर लूंगा, जो भी आपने सिखाया वो तो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि उससे तो आप भी हार गए ना। अरे भाई यार शिनचैन यार चुप रहना यार। अरे विक्की भाई देखो अभी मैं क्या करके दिखाता हूँ। तो गाइस अब देखते हैं हमारा शिनचैन कौन सा स्टंट दिखाता है। फुल बूस्ट लगा के पहुंच चुका है आसानी से ऊपर, और यहाँ पे तो यहीं पे टकरा गया है भाई। शिनचैन क्या करेगा तू। अरे विक्की भाई अभी देखो सर मैं क्या क्या करता हूँ। अरे चल देखते हैं यार। और ये शिनचैन ने सबका सब कंप्लीट कर दिया है। अबे ये क्यों शिनचैन। अरे विक्की भाई मेरी गाड़ी तो गिर गई मैं क्या करूं। अरे भाई शिनचैन पैदल ही पार कर ले। अरे टिकी फिंकी भी है। तो गाइस अब ये शिनचैन की गाड़ी गिर चुकी है, वो पैदल ही जाना पड़ेगा उसको। अरे विक्की भाई यार ये तो बहुत ज्यादा गहरा है यार। अरे भाई आराम से आराम से आराम से, और बहुत ही बढ़िया शिनचैन, यहाँ पे बस एक जंप मार दो और तू जीत जाएगा बस। 3-2-1 गो। अरे विक्की भाई मैं जीत गया। अरे नचे 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 विक्की भाई मैं जीत गया। अरे भाई शिनचैन यार बहुत ही बढ़िया यार, तू जीत चुका है ये वाला रैम चैलेंज। आज के रैम चैलेंज के विनर हैं
शिनचैन की भी है, मैं जीत गया। अरे भाई हल्क तू हार गया, मतलब हल्क के फूफा जी आप हार चुके हो, निकलो यहाँ से। एरिफेकी मैं रुको। अरे भाई क्या होगा शिनचैन, एरिफेकी मैं जितना भी मुझे गोल्ड मिला है ना उसमें से आधा आप हल्क के फूफा जी को दे दो। अबे भाई क्यों शिनचैन, एरिफेकी भी इतने बड़े इतना दूर से आए इसलिए मैं इनको दे रहा हूँ। अरे भाई ठीक है शिनचैन यार, थैंक यू शिनचैन, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देने के लिए। तो गाइस अभी यार शिनचैन ने दे दिया आधा जितना भी गोल्ड है उसमें से आधा गोल्ड मिलने वाला है हल्क के फूफा जी को, बाकी सब यार शिनचैन का है। और यार उसका प्लेन तो कितना ज्यादा बड़ा है, चले यार शिनचैन थोड़ा प्लेन में राइड मार के एरिफेकी फेंकी में चलो तो फिर आ जाए यार। तो गाइस अभी सामने शिनचैन खड़ा हो चुका है, अभी अपन चलते हैं एरिफेकी में, थोड़ा आराम से चलाना। अरे हाँ वही तो मेरे को आता है वैसे भी चलाना, एरी क्या कुछ चलाना नहीं आता। अरे भाई मजाक करो यार शिनचैन। तो गाइस अभी हम जाने वाले थोड़ी राइड पर, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और एक सेकंड अबे शिनचैन तुमको चीज दिखाऊं, एरिफेकी में कौन सी चीज, अरे रुको अभी दिखाता हूं। एरिफेकी में कौन सी चीज दिखाओगे बता दो सरी, अरे अभी दिखाता हूं, बाय बाय शिनचैन एरिफेकी पे है। ओ भाई सब मजा आ गया। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, बता यार कैसी लगी वीडियो, फटाफट जाके बता दो शिनचैन जीत चुका है यार, बहुत ज्यादा मजा आया। गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन और फॉलो कर लो। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।